कराची के मुख्तलिफ मकामात में आंधी और बारिश की बदौलत गर्मी का जोर टूट गया है। एक माह से शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने रिमझिम को खूब इंजॉय किया। मौसम का अहवाल हमें बताएंगी अना मशकूर। कराची में मौसम ने करवट ले ली। मजाफात समेत कई इलाकों में आंधी के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। करडाप, सुपर हाईवे, गुलशन मैमार, नॉर्थ कराची, सुरजानी, गुलस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, एसपी एरिया, गुरु मंदिर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। कई रोज की गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों ने सुख की सांस ली और खुशगवार मौसम को एंजॉय किया। माशाल्लाह खुशगवार मौसम हो गया है, गर्मी का मोहरान थोड़ा सा कम हो गया है माशाल्लाह से। सुबह तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके बाद बरसात हुई थोड़ी, मौसम सुहाना हुआ, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। हम तो नवाबशाह शहर से आए हैं लेकिन आज कराची में घूमने का बड़ा मजा आ रहा है। महकमा मौसमियात ने भी शहर में आइंदा दो रोज के दौरान गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसने की नवीद सुना दी। अगले दो या तीन दिन है इसी तरह का स्पेल। आज तो कहीं कहीं हल्की और कहीं मॉडरेट इसी तरह के शावर्स हुए हैं और ब्रीफ से शावर्स हुए हैं। कराची में इतना ही एक्सपेक्टेड था, अलबत्ता दूसरी जगहों पर थरपारकर साइड पे, बदीन पे, उधर सांगड़ वांगड़ और नवाबशाह की तरफ उधर तेज बारिश हो रही है। तो अगले दो से तीन दिन ये स्पेल इसी तरह से सिंध के तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन रहेगा वक्फे वक्फे से, और कराची में भी कल भी और परसों भी फिर इम्कान होगा आफ्टरनून में, इवनिंग में। कल और परसों निस्बतन अच्छी बारिश है। बारिश के बाद बाज़ नशेबी इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन साजिद के साथ अना मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची।